गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इन द लास्ट क्लास आई एंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ द आयनिक कंपाउंड इज डिसॉल्व्ड इन एनी सॉल्यूशन एंड फॉर दैट कॉन्सेप्ट वी नीड ओनली टू टाइप्स ऑफ एनर्जी। द फर्स्ट वन इज योर लैटिस एनर्जी एंड द सेकेंड वन इज योर हाइड्रेशन एनर्जी। हम उम्मीद करते हैं कि जितने लोग हमारे वीडियो देखे होंगे उनको समझ में आ गया होगा। आज हम जा रहे हैं बात करने व्हाट इज फजान्स रूल। फजान्स रूल क्या होता है? देखिए, जिस तरह आपको पता है कि वर्ल्ड में सारे क्वेश्चन का कोई ना कोई क्लियर कट सॉल्यूशन होता है, इन द सेम वे हमारे पास जो भी केमिस्ट्री में कंपाउंड है वो नाइदर 100% आयनिक होते हैं नॉर वो 100% कोवेलेंट होते हैं। लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन किसने लिया था? इसका इंफॉर्मेशन फजान ने दिया था। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फजान रूल। फजान्स रूल, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये तो साइंटिस्ट ने दिया था, लेकिन इनकी काम क्या थी? कोवेलेंट कैरेक्टर पता करना किसी भी आयनिक बॉन्ड में। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, और कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। अब देखिए, इसमें हमने आपको अभी बोला था कि नाइदर एनी बॉन्ड इज 100% आयनिक नॉर इट इज 100% कोवेलेंट। कोई भी बॉन्ड हो, आयनिक हो या कोवेलेंट बॉन्ड वाला कंपाउंड है, उसको हम 100% आयनिक या उसको हम 100% कोवेलेंट नहीं बोल सकते हैं। ईच बॉन्ड हैज मिक्स्ड character of covalent and ionic bond and in any ionic bond and in any ionic bond, comma, covalent character is determined with the help of Fazan's rule अब देखो एक्चुअली क्या होता है, कैसे होता है, वो हम बात जा रहे हैं करने। ठीक है, चलिए हम जा रहे हैं बात करने इसमें कि जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास कोई भी ये एक कटायन है और ये वाला हमारे पास एक अनायन है, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि प्लस है तो ये वाला हमारा कटायन है, माइनस है तो ये वाला हमारे पास अनायन है। अब आप क्या देख रहे हो कि जो भी कटायन होता है इसकी साइज हमेशा स्मॉल होता है, और जो अनायन होता है इसका साइज बिग होता है।
तो अब हमें एक्चुअली ये देखना है कि कैसे इसमें कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर आता है, हमें वो देखना। अब देखिए, जैसे आपका कटायन का साइज स्मॉल है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि अगर एलिमेंट का साइज जितना छोटा है, मींस वो उतना न्यूक्लियस के क्लोज में है। इन द सेम वे एलिमेंट का साइज जितना बड़ा होगा उतना वो न्यूक्लियस से दूर होगा। मतलब जो एलिमेंट न्यूक्लियस के क्लोज हैं उस पर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है, और जो साइज में बड़े होते हैं यानी वो न्यूक्लियस से डिस्टेंस पर हैं उस पर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज कम होता है। मतलब जो छोटा वाला पॉजिटिव चार्ज है वो चाहेगा कि जो हमारे पास बड़े साइज अनायन का है उनसे हम कुछ इलेक्ट्रॉन को पुल कर लें। क्यों? क्योंकि ड्यू टू ए स्मॉल साइज दे हैव मोर पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होगा, कुछ इनके इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव के तरफ पुल होंगे, कुछ, हमने ये नहीं बोला कंप्लीट, क्योंकि अगर कंप्लीट इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो जाए तो इसको हम बोलते हैं आयनिक, लेकिन अगर पार्शियल ट्रांसफर हो तो इसे हम बोलते हैं कोवेलेंट। यानी इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर है। क्यों? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू पार्शियल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नॉट कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो हम क्या देख रहे हैं इसमें कि जो कटायन है वो एनायन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो इन प्रोसेस में हम दो टर्म्स की बात करेंगे, व्हाट इज पोलराइजेशन एंड व्हाट इज पीपी पोलराइजिंग पावर। तो हम क्या बोल रहे हैं इसमें कि व्हेन कटायन एंड व्हेन कटायन एंड अनायन अप्रोचेस each other, when cation and anion approaches each other for the formation, approaches each other for the formation of ionic bond, for the formation of ionic bond, then due to Then due to higher jet effective, then due to higher jet effective of cation, it attracts electron cloud of anion towards itself due to which partial neutralization of charges occurs, due to which partial neutralization of charges occurs and it develops covalent character. And it develops covalent character in the bond. मतलब इसमें पार्शियल हो जाता है। अब देखिए, अब इस फेनोमेनन को जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? तो फेनोमेनन फेनोमेनन ऑफ deformation of electron cloud of
अनायन बाइंग का टाइम, क्योंकि अनायन का जो भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको कटायन अपने तरफ पुल कर रहा है। तो इस फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं? दिस फेनोमेनन इज नोन एज पोलराइजेशन। दिस फेनोमेनन इज नोन एज पोलराइजेशन, इज नोन एज पोलराइजेशन। तो आपने क्या समझा कि जो हमारे पास पोलराइजेशन है वो किसके लिए एप्लीकेबल है? द वर्ड पोलराइजेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर अनायन। तो पहला हम पॉइंट क्या लिखते हैं कि जो हमारा पोलराइजेशन हो रहा है, जो हमारा पोलराइजेशन हो रहा है ये किसके लिए एप्लीकेबल है? इट इज Only, it is only for anion। हमारा polarization केवल किसके लिए applicable है? Anion, anion। अब आपके मन में एक doubt फिर से आएगा कि सर अगर anion के लिए polarization होता है तो हमारे cation के लिए क्या होता है? तो cation क्या होता है? Cation anion को polarization कर रहा है, मतलब कि कटायन के पास पोलराइजिंग पावर है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हम कटायन के लिए टर्म्स को यूज करेंगे उसे हम क्या बोलते हैं? पोलराइजिंग पावर। उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे पोलराइजिंग पावर। अब पोलराइजिंग पावर किसके लिए होता है? इट इज ओनली फॉर कटायन। पोलराइजिंग पावर केवल कटायंस के लिए होते हैं। क्लियर? चल अब एक्चुअली पोलराइजेशन एंड पोलराइजिंग पावर का मीनिंग मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। पोलराइजिंग पावर कटायन में होता है जो किसी अनायन को पोलराइजेशन कर देता है। क्लियर? चल अब हम ये बात कर रहे हैं कि बेटा ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जो हमारे पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेशन दोनों को इफेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने कि फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजिंग पावर फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेशन फैक्टर अफेक्टिंग पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेशन ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इनको इफेक्ट करते हैं? सबसे पहला हम जा रहे हैं बात करने पोलराइजिंग पावर के बारे में। The first factor which I am going to focus is polarizing power. Polarizing power के बारे में हम जा रहे हैं पहला factor को देखने कि ये polarizing power क्या होता है। इसमें जो सबसे पहला हम जा रहे हैं बात करने वो हमारा रहेगा size of ions। वो मेरा क्या रहेगा? वो हमारा रहेगा what is my size of ions। अब साइज ऑफ आयंस के बारे में आप क्या बोल रहे हो कि जिनका साइज जितना छोटा होगा वो न्यूक्लियस के उतना क्लोज होगा और जो न्यूक्लियस के जितने क्लोज होंगे उस पर उतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा और जिस पर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो बाजू वाले से उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन को पुल कर सकता है। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि जिनका साइज जितनी छोटी होगी उनकी दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी उतना ज़्यादा होगा, मतलब उनका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा। क्लियर है? तो हम क्या बोले इसको कि स्मॉलर इज द
smaller is the size of iron, more smaller is the size of iron, more will be the attraction. More will be the attraction of electron. That is, higher will be Z effective. So, higher will be polarizing power. So higher will be polarizing power. मतलब हम शॉर्ट में इसको क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा polarizing power है it is directly proportional to 1/size of cation. जिनका size छोटा उनका polarizing power उतना ज़्यादा होगा और जिनका size बड़ा उनका polarizing power उतना छोटा होगा. क्लियर. चलिए दूसरी हम बात करते हैं. चाहे आइए पहले इस पर कुछ हम एग्जांपल्स कर लेते हैं. आपको ऐसे मान लीजिए मेरे को दिया है लिथियम प्लस, मेरे को दिया है सोडियम प्लस, मेरे को दिया है पोटेशियम प्लस, मेरे को दिया है रुबिडियम प्लस और मेरे को दिया है सीजियम प्लस. हम कहते हैं कि इनको आपको पोलराइजिंग पावर के पैटर्न में अरेंज करना है. तो आप क्या देख रहे हो कि ये सारे के सारे एलिमेंट एक ही ग्रुप के हैं. मतलब पहले क्या होगा, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम. मतलब जिनकी साइज बड़ी होगी उनकी पोलराइजिंग पावर कम होगा, जिनका साइज छोटा होगा उनका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा. तो मेरा ऑर्डर क्या हो जाएगा इन द केस ऑफ डिक्रीजिंग, सबसे ज़्यादा होगा लिथियम प्लस का, फिर होगा सोडियम प्लस का, फिर होगा पोटेशियम प्लस का, फिर होगा रुबिडियम प्लस का, फिर होगा सीजियम प्लस. ये हमारा आ गया आंसर. तो ये हमारा हो गया सबसे पहला फैक्टर्स पोलराइजिंग पावर. दूसरी हम बात कर रहे हैं चार्ज ऑन आयंस. जो हम दूसरी बात कर रहे हैं वो है हमारा चार्ज ऑन आयंस. चार्ज ऑन आयन. अगर हम चार्ज ऑन आयन की बात करते हैं तो अब क्या देखोगे कि जिस पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करने वाला है कि नहीं. तो हम क्या बोल सकते हैं कि मोर इज द पॉजिटिव चार्ज मोर विल बी पोलराइजिंग पावर. तो हम क्या बोल सकते हैं कि हायर is the higher is the charge more Z effective more polarizing power. तो हम क्या बोल सकते हैं कि polarizing power is directly proportional to charge. जो ये पोलराइजिंग पावर है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इस पर भी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ जो एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं. जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया सोडियम प्लस Mg+2 Al+3. हमने बोला कि इनको आपको अरेंज करना है इन द सीक्वेंस ऑफ पोलराइजिंग पावर. तो आप क्या देख रहे हो कि जिनकी चार्ज ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज की बात करें क्योंकि पोलराइजिंग पावर इज डिफाइंड ओनली फॉर कटाइन, जिनकी चार्ज ज़्यादा है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने पास पुल करने वाला है. मतलब हम यहाँ देख रहे हैं कि एल्युमिनियम का चार्ज +3 है, मैग्नीशियम का चार्ज +2 है, सोडियम का चार्ज +1 है. मतलब एल्युमिनियम का चार्ज ज़्यादा है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, बाद में सोडियम. तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा कि एल्युमिनियम हैज greater polarizing power in comparison to magnesium +2 in comparison to sodium. ये हमारा हो गया second factor जो polarizing power को effect कर रहा है.
हम बात कर रहे हैं थर्ड फैक्टर को। थर्ड फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कटायन। थर्ड होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कटायन। थर्ड हमारा ये हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, अब देखिए ये वाला जो थर्ड फैक्टर है ये टोटली एक्सपेरिमेंटल डेटा है। टोटली क्या है, एक्सपेरिमेंटल डेटा, मतलब ये साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू कुछ कंक्लूजन किया था, उसमें उन्होंने क्या किया था हमें वो समझना है। उन्होंने इसमें क्या किया था कि इट वॉज It was experimentally observed that cations having pseudo inert gas configuration have more PP मतलब polarizing power as compared to cation having noble gas configuration, मतलब ये एक्सपेरिमेंट में देखा गया था कि सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का ज्यादा पोलराइजिंग पावर होता है एज कंपेयर टू द नोबल कॉन्फ़िगरेशन। कैसे, देखो अब इसमें पहले आपको एग्जांपल सिखाएं कि कब हम सूडो बोलते हैं, कब हम क्या बोलते हैं इसको। क्लियर, चलो देखिए, जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं सोडियम प्लस का, तो इसका हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2.8। हम बात कर रहे हैं पोटेशियम प्लस का, तो इसका क्या हो जाएगा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसका हो जाएगा 2.8.8। अगर हम बात कर रहे हैं Mg प्लस टू का तो ये क्या हो जाएगा 2.8। हम बात कर रहे हैं कैल्शियम प्लस टू का तो ये क्या हो जाएगा 2.8.8। तो आप क्या देख रहे हो कि आउटर मोस्ट में सबके सब का 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलेंगे हमको, इसको हम बोलते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये हमारा हो गया नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब हमें ये देखना है कि सूडो वाला कब आता है, हमें क्या देखना है कि सूडो वाला कब आता है। जैसे मान लो हमने ले लिया इधर कॉपर प्लस, तो कॉपर प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये होता है आर्गन 3d10। क्या होता है, आर्गन 3d10। मतलब अगर इसका हम पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या होगा, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 1s2 2s2
2p6, 3s2, 3p6, 3d10। अब क्या देख रहे हो, जो आउटर मोस्ट 3 है s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो s में 2 का 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 6 इलेक्ट्रॉन है तो p में 6 का 6 इलेक्ट्रॉन है, d में 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 का 10, मतलब इनका भी जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए वो पूरे के पूरे कंप्लीट हैं। तो अब देखो, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब हम बोलते हैं कि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि आउटर मोस्ट जो डी है, डी में ऑलरेडी 10 इलेक्ट्रॉन होता है और इसमें 10 का 100 इलेक्ट्रॉन पूरा है, तो ये भी नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को ही फॉलो कर रहा है लेकिन सूडो, क्योंकि ये रियल नोबल गैस में डी से मतलब नहीं होता है। लेकिन इसमें डी में आप देख रहे हो कि 10 का 100 आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, तो इसको क्या हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। चलो आपको मैं एक और एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लो अगर हमने ले लिया जिंक प्लस 2, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा आर्गन 3d10। इसका भी आप देख रहे हो कि पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन पूरा है, तो ये भी क्या हो गया, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए, अब इसमें से आप क्या देख रहे हैं कि जो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होते हैं इनकी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होता है एज कंपेयर टू नोबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। सर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि अगर मेरे पास एक दिया गया है Mg प्लस 2 और एक दिया गया है जिंक प्लस 2, इन दोनों में सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर किसका होगा। आप क्या देख रहे हो कि Mg प्लस 2 वाला क्या फॉलो कर रहा है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन जिंक प्लस 2 वाला क्या फॉलो कर रहा है, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और अभी हमने क्या लिखा था कि फ्रॉम एक्सपेरिमेंट से हमें क्या कंक्लूड हुआ था कि सूडो वाले का ज़्यादा होता है पोलराइजिंग पावर एज कंपेयर टू नोबल, यानी जिंक प्लस 2 का ज़्यादा होगा पोलराइजिंग पावर एज कंपेयर टू Mg प्लस 2। तो यही तीन फैक्टर हैं हमारा जो क्या करते हैं, पोलराइजिंग पावर को इफेक्ट करते हैं। अगला हम बात कर रहे हैं पोलराइजेशन का। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पोलराइजेशन का, ये किसके लिए, ये होता है डिफाइंड फॉर अनायंस, ये होता है डिफाइंड फॉर अनायंस, ये केवल अनायन के लिए ही क्या होता है, डिफाइंड होता है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे पोलराइजेशन को इफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहला क्या है हमारा, साइज ऑफ आयन, सबसे पहला हमारा क्या है, साइज ऑफ आयन। इसमें क्या होता है कि देखिए, अनायंस का साइज जितने बड़े होंगे, अनायन का साइज जितने बड़े होंगे उतना इजीली वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। हम क्या बोले, अनायन का साइज जितना बड़ा होगा उतना आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है। क्यों, क्योंकि जितना अनायन का साइज बड़ा होगा उतना वो न्यूक्लियस से डिस्टेंस पर होगा, और जितना वो न्यूक्लियस से डिस्टेंस पर होगा उतना उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो आसानी से क्या करेगा कि उनके आउटर के इलेक्ट्रॉन्स को वो पुल कर लेगा, क्लियर। तो हम साइज ऑफ आयंस को क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा पोलराइजेशन होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, जो हमारा पोलराइजेशन होता है वो साइज के डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल है, मतलब इसको हम लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं कि लार्जर इज द साइज, लार्जर इज द साइज, लेस विल बी जेड इफेक्टिव, लार्जर इज द साइज, लेस विल बी जेड इफेक्टिव, मोर विल बी पोलराइजेशन, मोर विल बी पोलराइजेशन। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल दिया गया है फ्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, आयोडीन माइनस। अब हम क्या देख रहे हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऑल आर इन द सेम ग्रुप। सो ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स आपके इंक्रीज करते हैं। जब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेंगे तो साइज क्या होगा, स्मॉल, फिर बिग, फिर बिग, फिर बिग, साइज अपना इंक्रीज करते रहेगा। जैसे साइज इंक्रीज करेगा तो उनका डिस्टेंस जो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट है वो इंक्रीज करेगा। जब वो डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इजिली से लॉस कर पाएगा। मतलब बिगर इज द साइज, मोर इजिली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एज ए रिजल्ट आई कैन से मोर इज द पोलराइजिंग पावर। तो क्या होगा, आयोडीन माइनस ज्यादा होगा, फिर होगा ब्रोमीन माइनस, फिर होगा क्लोरीन माइनस, फिर होगा फ्लोरीन। ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजेशन। क्लियर हो गया। चलिए अगला हम बात करते हैं चार्ज ऑन आयंस के बारे में। अब देखिए क्या होगा भाई, अगर किसी अनायन पर नेगेटिव चार्ज स्टेज बाई स्टेज बढ़ते जा रहा है तो आप क्या बोल रहे हो कि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। मान लो अगर मेरे पास कोई एलिमेंट ए है, उस पर चार्ज माइनस वन है, मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। अगर ए के ऊपर चार्ज माइनस टू है तो इलेक्ट्रॉन गेन किया, ए के ऊपर चार्ज माइनस थ्री है, उसने तीन इलेक्ट्रॉन को गेन किया। मतलब जैसे जैसे किसी भी एलिमेंट पर माइनस चार्ज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे क्या हम बोल सकते हैं, उस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन्स की नंबर विल गो ऑन इंक्रीजिंग और वो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो पोलराइजेशन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल दे दिया एक तो कि बेटा SO3 माइनस टू और SO4 माइनस टू विच वन हैज़ मोर पोलराइजेशन। आप देख रहे हो पहला का चार्ज माइनस टू है, दूसरा का चार्ज भी कितना दिया है माइनस टू। तो हमें ये देखना है कि किन में कितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगा। तो आप क्या देख रहे हो, पहला का आप कर दो SO3 माइनस वन करो तो दूसरा वाला का मोर चार्ज, मोर पोलराइजिंग पावर। अगर एक और हम ले लेते हैं आपको F माइनस O माइनस टू N माइनस थ्री, तो ऑर्डर क्या होगा, मोर चार्ज, मोर इज द पोलराइजेशन। क्लियर है। चलिए अब हम ये बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे कोवेलेंट कैरेक्टर को सपोर्ट करते हैं। Which of the following factor is going to support covalent character? ये बहुत important है, थोड़ा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। Factors supporting, factors supporting covalent character. कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे कोवेलेंट कैरेक्टर को सपोर्ट करते हैं, फैक्टर सपोर्टिंग कोवेलेंट कैरेक्टर। सबसे पहला क्या है, हाई पोलराइजिंग पावर। द फर्स्ट टर्म इज हाई पोलराइजिंग पावर।
सेकेंड टर्म क्या होगा, हाई पोलराइजेशन, हाई पोलराइजेशन। पोलराइजिंग पावर किसके लिए है, का टाइम के लिए है। पोलराइजेशन बेटा किसके लिए है, अनायन के लिए है। क्लियर। और तो इनमें अगर वो ज़्यादा क्या हो जाएगा, ज़्यादा क्या हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर। तो फजांस रूल से हम जो एक कॉन्सेप्ट बनाएंगे वो क्या है, बहुत ध्यान देखना बेटा, इस पर क्वेश्चन आता है कि जो हमारा पोलराइजिंग पावर है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाई सॉल्युबिलिटी, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कलर इम्पार्ट टेंडेंसी, कलर इम्पार्ट टेंडेंसी। इतना ही सारा हमारे पास है जो हमें फजांस ने दिया था। इस बेसिस पर बेटा बहुत सारा क्वेश्चंस आते हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, जिनका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, जिनका पोलराइजेशन ज़्यादा मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, जिनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम उनका ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, जिनका सॉल्युबिलिटी कम उनका ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, जिनका कलर इम्पार्ट टेंडेंसी ज़्यादा उनका मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। तो ये हमारे कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर्स जो फजांस रूल के तरफ दिए थे। ये हमारा, इसी के साथ हमारा आयनिक बॉन्ड का पूरी कॉन्सेप्ट एंड हो गया। अब हम जा रहे हैं बात करने व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड। माय नेक्स्ट टॉपिक व्हिच आई एम गोइंग टू फोकस इज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, क्या बोल रहा है ये, कि बॉन्ड फॉर्म्ड बाय, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स आइदर सेम और डिफरेंट, बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स आइदर सेम और डिफरेंट सच दैट, such that each atom completes, such that each atom complete its octet। इसमें exception किसमें आता है, hydrogen में, except hydrogen which complete its, which complete its duplet is known as covalent bond, is known as covalent bond। सिंपल है। अब देखो इसको हम तीन तरह के बॉन्ड में पढ़ते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड जो हम बात करेंगे ये हमें तीन तरह का पढ़ना है। पहला क्या होता है हमारा, पहला होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा क्या होता है हमारा डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और तीसरा क्या होता है हमारा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये 300 बॉन्ड है जो हमें फॉलो करना है, ये तीन है जो हमें फॉलो करना है। पहला है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और तीसरा हमारा है जो वो क्या है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड।
हम बात कर रहे हैं इसमें व्हाट इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, हम बात कर रहे हैं व्हाट इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ये हमारा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। अब देखिए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। दो इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड। हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने बात की H2 का, ये कैसे बनेगा, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, दोनों को ज्वाइन कर दिए, तो दो इलेक्ट्रॉन को ज्वाइन किया तो एक बॉन्ड बना, इसी को बोलते हैं कि जो बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन के ज्वाइन करने से बनता है उसे क्या बोलते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। हम बात करते हैं व्हाट इज डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो डबल कैसे बनेगा, डेफिनेटली डबल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फोर इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करना पड़ेगा, फॉर्म बाय शेयरिंग, फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ फोर इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मान लीजिए अगर हमने एक एग्जांपल ले लिया O2, O2 में अब क्या देख रहे हैं, O2 में आउटर मोस्ट में सिक्स इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब क्या होगा, अब ये जब ये दो आपस में शेयर करेंगे तो क्या होगा, इनका भी आठ पूरा हो गया, इनका भी आठ पूरा हो गया, देखो गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इनका देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कोवेलेंट बॉन्ड में जब शेयरिंग होती है तो उनका ऑक्टेट पूरा हो जाता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन जिसका ड्यूप्लेट पूरा होता है। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, डबल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ फोर इलेक्ट्रॉन। तो ट्रिपल में कितना हो जाएगा, तीन और तीन सिक्स इलेक्ट्रॉन का जब शेयरिंग होती है तो कौन सी बॉन्ड बनती है, ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या हो जाएगा, फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ सिक्स इलेक्ट्रॉन, ये छह इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग बनता है। आपको एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर, से मान लो आपने लिया N2 में क्या होता है, पांच इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। जब ये ट्रिपल बॉन्ड शेयर होगा तब जाके ये मेरा क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें कितना इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अभी आप समझ में आ गया, सिंगल बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, डबल में चार, ट्रिपल में छह। हम बात करते हैं बेटा कि कोवैलेंसी को हम क्या बोलते हैं, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय कोवैलेंसी। व्हाट डू यू मीन बाय कोवैलेंसी, कोवेलेंसी क्या क्या होता है बताइए, लिखो, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय एंड atom, it is defined by number of bond formed by an atom in the compound or
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय द एटम इन द कंपाउंड, एटम इन द कंपाउंड। तो कोवेलेंसी दो होता है, पहला इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बाय एन एटम इन द कंपाउंड, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय द एटम इन द कंपाउंड। तो ये हमारा आइडिया हो गया रिगार्डिंग कोवेलेंट बॉन्ड। अब एक और बॉन्ड जो हमें पढ़ना है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नेक्स्ट जो हम जा रहे हैं बात करने वो हमारा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसको और हम क्या बोलते हैं, इसको हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। अब देखो ये एक ऐसा बॉन्ड है, ये एक स्पेशल टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इट इज अ, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच बोथ द इलेक्ट्रॉन्स, इन विच बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर गिवेन by one atom, in which both the electrons are given by one atom and accepted by another atom, and accepted by another atom. Clear?